हेलो दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। और आज के इस नए वीडियो में आज हम जानेंगे कि राजस्थान के तरफ से बड़ा रिक्रूटमेंट को जारी कर दिया गया है। और जो रिक्रूटमेंट निकला है, आप इधर देख सकते हो, राजस्थान फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग ऑफिसर के तरफ से बड़ा रिक्रूटमेंट को जारी कर दिया गया है। इस वीडियो में आज हम जानेंगे इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्या रहेगा, राजस्थान के बाहर रहने वाले क्या इसको अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इस वीडियो में मैं आज आपको पूरी जानकारी दूंगा। और पूरी जानकारी पाने के लिए भी वीडियो को पूरा आपको आखिर तक देखना होगा। और वीडियो देखने बाद कुछ डाउट भी रहता है तो वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे मैसेज भी कर सकते हो, मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। इसलिए बिना कोई देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। इधर आप देख सकते हो, आपको बेसिक चीज मैं आपको पहले बता देता हूं। इधर आप देख सकते हो डिपार्टमेंट के नेम में, आप इधर डिपार्टमेंट आपको दिखाया गया है कि स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की तरफ से पोस्ट निकला गया है। इधर आपको पोस्ट नेम के बारे में बता देता हूं, ठीक है दोस्तों। पोस्ट नेम में आपको इधर देख सकते हो नर्सिंग ऑफिसर एंड फार्मासिस्ट का ये पोस्ट निकला गया है। जिधर अगर हम इसका वैकेंसी के बारे में बात करेंगे तो वैकेंसी के बारे में आपको नंबर ऑफ वैकेंसी में आपको इधर देख सकते हो 3309 पोस्ट आपको टोटल कुल मिला के देखने के लिए मिल जाएगा, जो कि वीडियो के नीचे और आपको आखिर में भी बताऊंगा किसके कैटेगरी को कितना वैकेंसी दिया गया, आपको फुल डिटेल में आपको दूंगा। और इधर आप एडवर्टाइजिंग नंबर भी आप देख सकते हो। सैलरी के बारे में बात करते हैं, आपके मन में डाउट होगा ना सैलरी आपको कितना मिलेगा, आपको इधर बता दूं, अगर आप फार्मासिस्ट या आपको जो हिसाब से जो ट्रेड से आपको गए होगे वेरियस ट्रेड पोस्ट वाइज में आपको सैलरी देखने के लिए मिलेगा। ऐसा नहीं कि इस नर्सिंग ऑफिसर में आपको यही सैलरी परमानेंट यही नहीं है, जिस हिसाब से जो पोस्ट के हिसाब से आप गए होगे उसके हिसाब से आपको सैलरी देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं कि जॉब लोकेशन, अगर आपका मेरिट लिस्ट बन जाता है, अगर आपका क्वालिफाई अगर आपको रिटर्न में क्वालिफाई करके मेरिट लिस्ट बन जाता है, आपको कौन से लोकेशन में आपको आपका बनना चाहिए, मतलब कौन से लोकेशन में आपको काम करना पड़ेगा। आपको राजस्थान में, आपको इधर राजस्थान का रिक्रूटमेंट निकला है ना, इसलिए आपको राजस्थान के अंतर्गत आपको लोकेशन भी दिया गया है, राजस्थान में आपको जॉब लोकेशन मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, अप्लाई लास्ट डेट कब तक, इसका लास्ट डेट ऑफ अप्लाई कर सकते हो। आपको बता देता हूं इधर, लास्ट डेट ऑफ अप्लाई 23 दिसंबर 2022 तक आप अप्लाई कर सकते हो। और जो अप्लाई होगा इधर आपको किधर भी जाना नहीं पड़ेगा, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अपना मोबाइल में ही अप्लाई कर सकते हो, वो भी घर बैठे इधर देख सकते हो। अप्लाई मोड में, ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई जरूर कर सकते हो। और ऑफिशियल वेबसाइट, अगर आपको इसका ऑफिशियल वेबसाइट जाना है, अपकमिंग जो पोस्ट निकला है उसके बारे में जानना है, तो इधर ऑफिशियल वेबसाइट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। आपको जो दिया गया radhaswasthya.nic.in जो साइट दिया गया, इस साइट को भी विजिट करके, नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका ऑफिशियल वेबसाइट भी दे दूंगा, आप विजिट करके इसका पूरे डिटेल भी जान सकते हो। इंपॉर्टेंट डेट के बारे में बात करते हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको इंपॉर्टेंट डेट के बारे में पता होना चाहिए ना। आपको बता देता हूँ स्टार्ट डेट ऑफ अप्लाई, अगर आप अप्लाई करोगे तो 24 नवंबर 2022 से इसका अप्लाई डेट शुरू हो जाएगा। और लास्ट डेट ऑफ अप्लाई ऑनलाइन जो ऑनलाइन माध्यम से होगा 23 दिसंबर 2022 से, आप इस जॉब को आप इसका आखिरी डेट है, जो आप अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो अप्लाई कर लेने का। और एप्लीकेशन फ़ी के बारे में बात करते हैं, अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका एप्लीकेशन फ़ी कितना लगेगा, इधर देख सकते हो। UR मतलब अनरिजर्व OBC और EWSC अगर आप इस कैटेगरी से जाते हो तो आपको 500 रुपया दे के आप अप्लाई कर सकते हो, जो कि ज़्यादा मेरे हिसाब से थोड़ा ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, 500 रुपया थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और OBC और MBC के लिए 350 रुपया दे के आप अप्लाई कर सकते हो। मैं आपको बताता हूँ 500 रुपया एक मिडिल क्लास, क्योंकि मैं भी एक मिडिल क्लास से ही जाता हूँ, 500 रुपया आपको थोड़ा ज़्यादा देखने के लिए मिल जाएगा। और SC ST और BPL से हो तो आपको 250 रुपया, सिर्फ 250 रुपया देके आप अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि इधर देख सकते हो अगर आप SC ST और BPL से हो तो आपको 250 रुपया करके अप्लाई जरूर कर लेगा ना वो, क्योंकि SC ST वाले सोचो अनरिजर्व OBC और EWS कितना 500 रुपया देके अप्लाई कर रहे, अगर आप SC ST हो तो आपको थोड़ा कम मिल रहा है ना, मतलब पूरा आधा कर दिया गया है। इसलिए अगर आप एलिजिबल हो, अगर आपका क्वालिफाई कर लेके, अगर आपका कीमत मतलब आप क्वालिफाई कर लेके पढ़ सकते हो तो आप जरूर अप्लाई कीजिए। पेमेंट मेथड में आपको ऑनलाइन में आपको देखने की, इधर आपको ऑफलाइन किधर भी जाना नहीं पड़ेगा, इधर आपको ऑनलाइन मोड में आप अप्लाई करके पेमेंट मेथड को भी कर सकते हो, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि एज लिमिट, अगर आप अप्लाई करते हो तो आपका एज लिमिट कितना होना आपको पता होना चाहिए ना।
मैं आपको बता देता हूँ, एज लिमिट अगर आपका 18 साल शुरू हो चुका है, अगर आपका 18 साल हो चुका है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इधर आपका एज लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट 40, मतलब 18 से लेकर 40 ईयर तक अगर आपका इसके बीच में अगर आपका एज है तो आप अप्लाई कर सकते हो। और इधर आपको एज रिलैक्सेशन भी ज़रूर देखने के लिए मिलेगा। ओबीसी के लिए आपको, ओबीसी कैटेगरी से हो तो आपको 3 साल का छूट मिल जाएगा, और अगर आप एससी और एसटी कैटेगरी से हो तो आपको 5 साल का छूट जरूर देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपका एलिजिबल क्या, आपका एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट्स हो, नहीं तो GNM कोर्स और इट्स इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन फ्रॉम एन इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अगर आपका स्टेट गवर्नमेंट से अगर आपका कोई कोर्स लिए तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हो। और नीचे आने बाद और अलग से पॉइंट बना के मैं आपको बता दिया हूँ, रजिस्ट्रेटेड इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से अगर आपका रजिस्ट्रेशन है तो आप जरूर अप्लाई कर सकते हो। और अगर आप इधर देख सको फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो फार्मासिस्ट अप्लाई करने के लिए आपका डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड रजिस्ट्रेटेड एज फार्मासिस्ट इन राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से आपका होना जरूरी है, जिधर आपको फार्मासिस्ट के बारे में आपको डिटेल में बता दिया। अब हम बात करते हैं कि इधर देख सकते हो, इधर आपको पोस्ट नेम के बारे में बता दिया गया है, और इधर हम नंबर ऑफ पोस्ट में आपको बता देता हूँ डिटेल में, जो आपको बता दिया गया है नंबर ऑफ पोस्ट कितना है। नर्सिंग, अगर आप नर्सिंग असिस्टेंट के लिए अप्लाई, पोस्ट नेम में आप इधर देख सकते हो, नर्सिंग ऑफिसर से अगर आप नर्सिंग ऑफिसर के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको नंबर ऑफ पोस्ट में आपको दिखा देता हूँ, 1289 आपको इतना पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आप फार्मासिस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो तो फार्मासिस्ट के अप्लाई करने के लिए आपको 2020 मतलब इतना पोस्ट आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और टोटल जो कुल मिला के टोटल पोस्ट में आपको जो पहले से बताया था 3309 आपको पोस्ट देखने के लिए मिल जाएगा, मतलब 3009 पोस्ट आपको टोटल देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज में कितना वैकेंसी किसको दिया गया। इधर देख सकते हो आपको पोस्ट नेम में बताया गया है, नर्सिंग असिस्टेंट में आपको एरिया UR और EWS OBC MBC SC ST जो टोटल कुल मिला के आपको 1250 पोस्ट, और फार्मासिस्ट आपको टोटल आपको पोस्ट पूरा डिटेल में आपको इस PDF में मैं आपको पूरा डिटेल में बता दिया। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में मैं आज आपको तो पूरा डिटेल में बता दिया। अब बात करते हैं कि राजस्थान फार्मासिस्ट एंड नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट 2000 सिलेक्शन प्रोसेस आपका क्या होगा। सिलेक्शन प्रोसेस में आपको ध्यान से सुनना होगा, द सिलेक्शन प्रोसेस ऑफ राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर फार्मासिस्ट रिक्रूटमेंट 2022 इंक्लूडेड द फॉलोइंग स्टेजेस। आपको पहले आपको फेस इंटरफेस करना होगा रिटर्न एग्जाम, अगर आप रिटर्न एग्जाम को क्वालिफाई कर जाते हो तो रिटर्न एग्जाम में अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम बन जाता है तो आपको दूसरा पड़ाव को आपको आगे देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। मैं आपको बता दूं, अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हो रहे हो तो आपको रिटर्न एग्जाम क्लियर करने के बाद और ये दो एग्जाम में आपको ज़्यादातर आपको मुश्किल नहीं लगेगा, क्योंकि रिटर्न एग्जाम में थोड़ा आपको मुश्किल लगेगा, क्योंकि इधर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, अगर आपका सारा डॉक्यूमेंट है अच्छे से तो आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कोई चिंता नहीं रहेगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको इधर मेडिकल एग्जामिनेशन अगर आपका बॉडी में कुछ डिफेक्ट है तो ऑब्वियसली आपको पता चल गया होगा ना, आपको मेरे बॉडी में उस तरह का डिफेक्ट है, आपको उसको सॉल्व कर लेना होगा। अगर आपका बॉडी में कुछ भी डिफेक्ट है तो आपसे सॉल्व कर लो, ठीक है, वो मेडिकल डिफेक्ट है अगर आपका है तो आप सॉल्व कर लेने का। इस वीडियो में मैं आज आपको पूरी जानकारी दे दिया, इसको कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, आपका सैलरी क्या रहेगा, एज कितना होगा, इस वीडियो में मैं आज आपको पूरी जानकारी दे दिया। अगर आपको हमारा ये अपडेट थोड़ा भी पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।